देखो, आज की क्लास में हम बात करते हैं सीसीटीवी कंप्लीट इंस्टॉलेशन के। अब देखो, अभी के टाइम पे ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि देखो, पहले अगर आप देखते होंगे जो सीसीटीवी वगैरह, वो ज़्यादातर आपको मिलते थे देखने को, जैसे बैंक वगैरह हुए या फिर कॉलेज हुए, हॉस्पिटल हुए, ऐसी बड़ी बड़ी जगह मिलते थे देखने को। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो हर जगह नेसेसरी हो गए। आपके शॉप में देखोगे आप, या फिर कोई भी एक मॉल है, कुछ भी है, हर जगह मतलब आपको मिलेंगे कैमरे देखने को। अब तो अभी के टाइम में जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का जो मतलब बिजनेस है, फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और इतना कुछ इसमें है नहीं, बड़ा सिंपल है। बस कुछ स्टेप जो है आपको पता होने ज़रूरी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बड़े इजली इसको कर सकते हैं। चलो समझते हैं इसे कंप्लीट इंस्टॉलेशन को, कि कैसे कैसे जो इसका इंस्टॉलेशन होता है। साथ साथ में आपको मैं दिखाता भी जाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी और कैसे कैसे जो है उसका कनेक्शन होगा। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले तो आपको जो कैमरे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? देखिए, कैमरे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके NVR और एक होते हैं आपके DVR। ठीक है, दो तरह के कैमरे मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होते हैं, आपके NVR कैमरा और आपके DVR कैमरा। अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कैमरा है, ये इसको बताओ देख करके कि किस तरह का कैमरा है। ये एक DVR कैमरा है आपका। अब देखो, जो DVR कैमरा है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं आपके। जैसे कि देखो, अगर आपको आउटसाइड लगाना है तो उसमें तो आपका बुलेट कैमरा लगता है, और अगर आपको जो है इनसाइड लगाना है जहाँ पे कोई वाटर वगैरह, रेन वगैरह कोई इशू ना हो, तो वहाँ पे जो है आपका डोम कैमरा लगता है। ठीक है ना? तो आउटसाइड जो है हमेशा आप लगाओगे कौन सा? बुलेट कैमरा। और इनसाइड, ठीक है ना? अब इनके भी यू भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है। अब वही बात है, जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतने अच्छे आपको कैमरे मिल जाएंगे। लेकिन एक अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1000 से 1500 के बीच में एक नॉर्मल कैमरा आ जाता है आपका। ठीक है, तो कैमरे के बारे में पता चला कि बाहर कौन सा लगाना है और अंदर कौन सा लगाना है आपका, इनसाइड कौन सा लगाना है। अब सबसे पहले देखो, अगर आप किसी कैमरे को आप देखोगे तो उसमें आपको इस तरह के दो केबिल मिलेंगे देखने को, दिख रहे होंगे आपको। तो ये जो आपका केबिल है, ये तो होता है आपका BNC कनेक्टर के लिए, ये होता है वीडियो ट्रांसफर के लिए, और ये होता है इसकी पावर सप्लाई के लिए, इनपुट के लिए। ये इनपुट सप्लाई है इसकी, और ये है आपका इसे BNC कनेक्टर के लिए, जो आउटपुट आपका DVR में लगता है। तो जब भी आप किसी कैमरे को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले तो आपको उसको माउंट करना पड़ेगा कि जिस जगह पे आप उसको लगाना चाहते हो। इसके लिए आपको चाहिए एक ड्रिल मशीन चाहिए, और साथ में जो इसको होल्ड करने के लिए कुछ स्क्रू चाहिए आपको। अब जब आप इसको यहाँ पे माउंट कर दोगे तो जैसे मैंने बताया कि इसमें से आपके दो वायर निकलेंगे, एक तो होगा आपका BNC कनेक्टर के लिए और एक होगा आपका DC सप्लाई के लिए, और ये होता है आपका इनपुट। ठीक है जी? और ये BNC होता है आपका आउटपुट। ये किसके साथ जुड़ता है? DVR के साथ में। और ये जुड़ता है किसके? SMPS के साथ में। SMPS क्या होता है? यानी अब देखो, इस कैमरे को अगर चलाना है तो कुछ सप्लाई तो चाहिए ना अपने को, तभी जा करके ये काम कर सकता है अपना। अब इसके लिए देखिए, एक अलग से जो है एक कैमरे के लिए एक केबल आती है, वही जो है इसमें आपकी यूज होती है। इसकी जो केबल होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा भी। इसमें से आपके कुछ इस तरीके से वायर निकलेंगे। कौन कौन से? रेड, ब्लैक और ग्रीन। ठीक है जी? और ये जो आपका, ये जो वहां पे आपको वायर दिख रहा है, ये होता है आपका वीडियो के लिए, वीडियो आउटपुट के लिए। जब आप इसको यहां से छीलेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इसमें से भी आपके दो वायर निकलेंगे। तो एक तो होगा इसमें आपका पॉजिटिव और एक होगा इसमें आपका GND। इधर से जो ये BNC कनेक्टर होता है आपका, इसमें भी बेसिकली दो, यही दो वायर होते हैं आपके, एक पॉजिटिव और एक GND आपका ग्राउंड। ठीक है, तो इसको भी देखो जरा आप यहाँ पे। तो जैसे देखो, अगर इस केबल को आप देखोगे, ये कैमरे के लिए यूज़ की जाती है आपके, तो
तो तीन तो आपको ये वायर दिख रहे होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो जो इसमें रेड और ब्लैक है ये तो होते हैं इसके सप्लाई के लिए, और जो ग्रीन है ये यूज में किया जाता है अगर आपको जो है माइक भी लगाना है साथ में। और एक देखो इसमें आपको वायर और दिख रहा होगा, दिख रहा है। और जब हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से छीला ओपन, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से ओपन किया तो इसमें से दो वायर निकले, एक तो ग्राउंड और एक पॉजिटिव। अब देखो अपने पास तो जो है इस तरह का एक केबल आएगा, ठीक है। अब इस केबल को तो इस कनेक्टर के साथ नहीं हम जोड़ सकते, अगर इसके साथ हमें जोड़ना है तो प्रॉपर एक कनेक्टर हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए क्या होता है आपका, ये हमारा क्या है केबल। अब देखो इसके लिए क्या होता है हमारा, अब इस साइड में से भी जो है यही वायर निकलेंगे, एक आपका रेड, ब्लैक, ग्रीन। ग्रीन का मैंने आपको यूज बताया कि ग्रीन का यूज कब होगा, जब हमें माइक जो है यूज करना, माइक वगैरह लगाना हो तब होगा। अब ये जो वीडियो के लिए है यहाँ पे आपकी दी हुई इसमें वायर, मैंने बताया था जैसे आपको कि इसमें से भी आपके दो निकलेंगे वायर, एक तो होगा इसमें से आपका पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव यानी ग्राउंड। अब देखो इन दो वायर को हम ऐसे डायरेक्ट इसके साथ जोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए जो है हमारा एक लगता है एक BNC कनेक्टर, ठीक है जी। यानी कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे कैमरे को तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये इसकी सप्लाई की लाइन हुई। तो यहाँ पे जो है हमें इस, अब देखो जो हमारे पास वायर है वो कुछ इस तरह का है, तो पहले तो हमें इस वायर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम इसको कैमरे में लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको BNC कनेक्टर के साथ जोड़ा, ठीक है, ये इसका कनेक्शन किया यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है हमारा सप्लाई रहता है। अब देखो जैसे कि इसमें यहाँ पर आप देखोगे सप्लाई के दो वायर दिए हुए हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक, और इधर देखोगे आप इधर ये कनेक्टर है। आप चाहो तो इसको यहाँ से काट करके इसको जोड़ सकते हो, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। यूँ तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से काट करके भी जोड़ सकते हो, बट वो एक सही तरह प्रोफेशनल तरीका नहीं है आपका। इसको प्रोफेशनल तरीके से कनेक्ट करने के लिए आपके आपके पास जो है एक ही DC कनेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अभी DC कनेक्टर तो कुछ ऐसा लगेगा आपका, इस तरीके से लग गया, और इस साइड से ये रेड और ब्लैक के साथ, और दूसरे वाला वो BNC कनेक्टर वो इसके साथ कंप्लीट लग गया पता। तो यहां से हम इसमें क्या लगाएंगे, एक DC जैक लगाएंगे, ठीक है जी, और ग्रीन को जो है हम NC, यानी आप इसको भी किसी काम में नहीं आएगा, आप बाद में इसका यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसका एक साइड का कनेक्शन पूरा हुआ, ठीक है। अब दूसरी साइड का कनेक्शन देखो आप, मान के चलिए ये अपना क्या है DVR हुआ आपका। अब जो DVR है इसको एक तो सप्लाई चाहिएगी यहां से, इनपुट सप्लाई चाहिएगी इसको, वो तो इसके काम करने के लिए है, ठीक है। फिर ये जो DVR होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट का होता है, 4 पोर्ट का भी आएगा, 8 का भी आएगा, 16 का भी आएगा, जितने का भी आएगा उससे कोई अपने को मतलब नहीं है। अपने को जितने कैमरे लगाने हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका हम सेटअप करेंगे। अब जैसे देखो आप DVR देखोगे तो DVR के बैक साइड में भी जो है आपको इसी तरह का जैक मिलेगा, जिसमें जो है आपका एक BNC कनेक्टर ही अटैच होगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक DVR है, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो आपको जो है एक BNC कनेक्शन मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमें एक BNC कनेक्टर चाहिएगा। अब देखो इधर का तो कनेक्शन कंप्लीट हुआ, बट अगर देखो मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है, इस केबल को इसके साथ जोड़ना है, तो उसके लिए भी मुझे एक BNC कनेक्टर लगाना पड़ेगा, तो उसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है जी। और ये लग जाएगा फिर आपका DVR में आपका, ठीक है।
अब इधर से देखो, इधर आपको डीसी कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इनका कनेक्शन आएगा, ठीक है, ये इसके साथ आपका जुड़ जाएगा। आपका एक इसमें होता है कौन सा, जीएनडी, और एक पॉजिटिव, यह हुआ आपका बीएनसी कनेक्टर। ठीक है जी, अब अपने पास इधर कितने वायर बचे? तीन बचे ना, तो ग्रीन का तो अभी एनसी है, कोई काम नहीं है। अब अपने को इसको कैमरे को सप्लाई देनी है। देखो एक बात आपको याद रखनी है कि जो डीवीआर है वो सप्लाई नहीं देता कैमरे को, उसके लिए जो है हमें एक अलग से जो है एक सप्लाई की जरूरत होती है। अब देखो जो ये सप्लाई है आपकी एसएमपीएस सप्लाई है, ये एम्पियर के अकॉर्डिंग आती है आपके। अगर आप कम एम्पियर की ले लोगे, कैमरे आपने ज़्यादा लगाए हैं, तो वो लोड उसका उठाएगी नहीं आपके, समझ गए ना। तो इसके जो एम्पियर है कैमरे के अनुसार ज़्यादा होने चाहिए। अगर मान के चलिए आपको दो कैमरे चलाने हैं, तो कम से कम 4 एम्पियर की आपके पास सप्लाई हो। अब यहाँ पे देखो आप, ये तो रही इस एसएमपीएस की इनपुट, और ये रही आउटपुट। अब अपने पास यहाँ पे इसको तो कट कर दो आप, दो वायर बचते हैं, एक जो आपका रेड और एक ब्लैक। तो उसको, इसको हम पावर कहां से देंगे? इस एसएमपीएस से। ठीक है जी, तो ये पहले उसका जो है कैमरे का सेटअप आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसको जो हम जोड़ देते हैं एसएमपीएस के साथ, ये प्लस और सॉरी ये माइनस और ये प्लस, और ये हो गया आपका 220 वोल्ट एसी। ठीक है जी, तो पहले कैमरे का जो है यहाँ से सेटअप कंप्लीट हुआ। अब मान के चलो आपको एक और कैमरा लगाना है, सेम बिल्कुल यही प्रोसेस आपको उसमें करना है। तीन लगाने हैं, सेम प्रोसेस उसमें करना है आपको। चार लगाने हैं तो उसमें भी आपका बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखो जब आप DVR को फर्स्ट टाइम जो है आप इंस्टॉल करोगे, तो सबसे पहले जो है जो आपका DVR आता है तो ये ब्लैंक होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई स्टोरेज नहीं होता। तो अपने ज़रूरत के अनुसार हमें सबसे पहले क्या है कि इसमें एक हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास है फिलहाल 500 GB की है हार्ड डिस्क। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जो है इसमें कम ज़्यादा करके लगा सकते हो। ये लगेगी किस तरीके से, सबसे पहले तो आपको इसके दो बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें जगह मिलेगी इसको हार्ड डिस्क को लगाने की, और साथ में जो है कुछ केबल मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे। अब देखो एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए अपनी यहाँ हार्ड डिस्क है, तो ये तो लग जाएगा आपका साटा कनेक्शन, और ये लगेगा फिर DVR के मदरबोर्ड में, और ये हुआ इसका पावर सप्लाई का कनेक्शन। तो ये भी जो है आपका DVR में लग जाता है आपको, और इसको जो है हम DVR में इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको करें किस तरीके से जो है आपकी इंस्टॉल होती है। अब फिर जब इतना काम ही आपका हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको DVR का सेटअप करना होता है। ठीक है, तो जब DVR का सेटअप करेंगे तो उसको फिर दिखाऊंगा मैं इसका सेटअप किस तरीके से कर जाता है। इसमें आपको कुछ अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इसमें भरने होते हैं, फिर से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो अगर आप कहोगे तो उससे रिलेटेड भी जो है मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने एक कैमरे पे दिखाया, आप चाहे एक की जगह 10 कैमरे लगा लीजिए, कनेक्शन जो है सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।